तो देखिए सबसे पहले बात करें टोटल मेंबर्स की, तो एक कॉलोनी के अंदर 30,000 से लेकर 50,000 तक, 30,000 to 50,000 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं 30 से 50,000 तक। अब इसमें क्या होगा, एक क्वीन होगी, क्वीन कितनी होती है एक, और ड्रोन्स होते हैं 200 से 300 नर जिनको बोलते हैं, क्वीन होती है रानी। फिर बाकी जितने भी बच गए वो क्या होते हैं, श्रमिक या वर्कर्स होते हैं। लार्जेस्ट जो है इनकी पॉपुलेशन होती है, क्योंकि देखिए आप एक रानी मक्खी होगी 200 से 300 निकाल दोगे तो बाकी इनमें से जो बच गए वो सारे के सारे क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं, क्योंकि मेन काम भी उन्हीं का होता है। ठीक है, फिर देखिए अगर चलो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले क्वीन की, क्वीन जो होती है, ये चीज़ ध्यान रखना भी, कौन सी कास्ट क्या होती है, कौन सी कास्ट फर्टाइल होती है, कौन सी कास्ट जो है वो स्टेराइल होती है। तो देखिए एगलिंग का काम जो करता है वो कौन करता है, क्वीन करता है, तो क्वीन क्या होगी, हमेशा फर्टाइल होगी। तो ध्यान रखना क्वीन क्या होती है, फर्टाइल फीमेल होती है। अब देखिए डेवलप्ड आफ्टर फीडिंग ऑन रॉयल जेली, रॉयल जेली किससे बनती है, पेक्टिन और शुगर से। देखिए क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं, जैसे ही एगलिंग होती है, एगलिंग के बाद जो इससे बाद में जो लार्वा निकलते हैं उसमें क्या करता है, जो श्रमिक होते हैं या वर्कर्स होते हैं उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो उनको भोजन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, नॉर्मली 2 से 3 दिन तक उनको रॉयल जेली भी खिलाई जाती है, उसके बाद उनको नॉर्मल फूड खिलाया जाता है। तो देखिए जिसको वो सेल, जिसको इन्हें क्या बनाना है, आगे जाके क्वीन बनाना है, उसको ये थोड़ा लंबे समय तक 10 से 12 दिन तक रॉयल जेली खिलाते हैं। तो लंबे समय तक जब उसको रॉयल जेली खिलाते हैं तो इससे क्या होता है कि वो फर्टाइल बनी रहती है, दूसरा उसका साइज जो है वो बढ़ के बाकी सबसे क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और वो किस में जो है कन्वर्ट हो जाती है, क्वीन में। ठीक है, डॉटर क्वीन में, जो आगे जाके क्वीन बनती है और सबसे बड़ा साइज होता है। देखिए आप देख सकते हो ये एक डायग्राम है इसके हाइव का, ये जो सबसे बड़ा साइज आपको दिख रहा है ये किसका है, क्वीन का है, ये क्वीन है, बाकी ये जो दिख रहे हैं आपको ये सारे क्या है, वर्कर्स हैं। फिर देखिए स्टिंगलेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रानी मक्खी जो होती है उसके अंदर डंक नहीं होता है, लार्ज इन साइज सबसे बड़ी होती है। नुपचल फ्लाइट, ये हमने कल शायद टर्माइट में भी बात की थी, सेम यहाँ भी होते हैं नेपच्यूल फ्लाइट, है ना, जो बारिश का सीजन होता है उस सेंस में। क्या ड्रोन्स जो होते हैं, देखिए कॉलोनी के अंदर इनका कोई काम नहीं होता है, इनका कोई काम नहीं होता है सिवाय कॉलोनी को आगे बढ़ाने के। तो बहुत बारी क्या होता है, जब फूड क्राइसिस होता है, फूड क्राइसिस होता है यानी कि जब इनको फ्लावरिंग आसपास कहीं नहीं हो रही हो, हम जब इनको आर्टिफिशियल फूड, चलो जहाँ रेयर कर रहे हो वहाँ तो आप इनको आर्टिफिशियल फूड भी दे दोगे, लेकिन जहाँ ये खुद अपनी कॉलोनी बना के रहते हैं वहाँ अगर फूड क्राइसिस हो जाए तो ये वर्कर्स क्या करते हैं, इन ड्रोन्स को बाहर निकाल देते हैं, इन ड्रोन्स को जो अपने छत्ते या हाई होती है उससे बाहर कर देते हैं, वापस अंदर नहीं आने देते, क्योंकि ये फ्री बैठे खाते रहते हैं, इनका कोई काम नहीं होता सिवाय नुपचल फ्लाइट के। नुपचल फ्लाइट के दौरान क्या होता है, इसमें जो क्वीन होती है उसके साथ मेटिंग होने के बाद एगलेइंग का काम करते हैं, उसके अलावा इनका कोई काम नहीं होता है। तो नुपचल फ्लाइट आपको पता है क्या होती है। फिर देखिए बनता किससे है, अब दो चीज़ होती है, देखिए एक तो होता है फर्टिलाइज्ड एग, एक होता है अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, अगर ड्रोन के साथ मेटिंग होती है तब तो फर्टिलाइज्ड एग बनेगा, नहीं तो अनफर्टिलाइज्ड एग बनेगा। तो फर्टिलाइज एग से क्या होगा, हमेशा फीमेल निकलेगी, और अनफर्टिलाइज जो एग होता है उससे क्या निकलते हैं, हमेशा मेल्स निकलते हैं, नर निकलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना भी। फिर देखिए सेकेंड वन है ड्रोन्स। ड्रोन्स क्या होते हैं, फर्टाइल मेल होते हैं, ये अभी हमने बात कर ली कि क्या होते हैं, नुपचल फ्लाइट में काम आते हैं, बाकी इनका कोई काम नहीं होता। फिर देखिए इमर्ज फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, लेकिन होते क्या है, फर्टाइल होते हैं। इसमें देखिए वैक्स ग्लैंड, पोलन बास्केट या स्टिंग, ये ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है क्योंकि ये काम करते ही नहीं है, अगर ये सब हो तब तो ये क्या बन जाएंगे, वर्कर बन जाएंगे, तो ये वर्कर्स नहीं होते। ना तो इनमें वैक्स ग्लैंड पाई जाती है, ना ही इनके अंदर पोलन बास्केट पाई जाती है, और ना ही इनके अंदर स्टिंग होती है। क्लियर है। फिर देखिए मेटिंग विद क्वीन ड्यूरिंग नुपचल फ्लाइट, ये हमने बात करी ली। फिर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है वर्कर्स, ये क्या होते हैं, स्टेराइल फीमेल होती है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वर्कर्स क्या होते हैं, स्टेराइल क्वीन होती है, बंदे मादा होती है, यानी कि ये एगलेइंग का काम नहीं कर सकती, लेकिन बाकी जितने भी काम होते हैं कॉलोनी के अंदर वो सारे कौन करता है, वर्कर्स करते हैं। देखिए प्रोड्यूस फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग्स,
ये हमने पहले ही बात कर ली, फर्टिलाइज जो फीमेल जितनी भी है वो किससे बनती है, फर्टिलाइज्ड एग से बनती है। तो फर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होते हैं वैक्स ग्लैंड पाई जाती है, पोलन बास्केट पाई जाती है हाइंड लेग्स में, पीछे वाली जो इनकी टांगे होती है उसमें जो पोलन बास्केट पाई जाती है, ये दिख रहा है सबको येलो कलर की, ये क्या होती है, पोलन बास्केट होती है। पोलन बास्केट का मतलब क्या, एक टोकरी होती है जिसके अंदर जब ये फील्ड में जाते हैं पोलन ये अपने लिए भी इकट्ठा करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो आगे वाली इसकी जो लेग्स होती है इसके ऊपर एक ब्रश पाया जाता है, पोलन ब्रश जिसको बोलते हैं, तो इसकी सहायता से ये क्या करते हैं, इसके अंदर पोलन भरते हैं और इसी की सहायता से निकालते हैं। तो ये पोलन बास्केट जो पाई जाती है ये सिर्फ किस में पाई जाती है, वर्कर्स में पाई जाती है। स्टिंग प्रेजेंट, स्टिंग भी इसके अंदर होती है, क्योंकि अगर बात करें ये फैमिली की सुरक्षा की, या अगर खुद की इनको प्रोटेक्शन करना हो तो ये क्या है, उस सेंस में काम लेते हैं, इनको स्टिंग होती है। और स्टिंग होता क्या है, मॉडिफाइड ओविपोजिटर, यानी कि होता ओविपोजिटर ही है, उसका मॉडिफिकेशन इस तरीके से होता है, क्योंकि एग लेइंग के काम तो आता नहीं है वो, तो ओविपोजिटर को ये एज ए स्टिंग यूज़ करते हैं। फिर देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ कॉलोनी एंड फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ अदर मेंबर्स, ये सब की सब ड्यूटी किसकी होती है, वर्कर्स की होती है। फिर देखिए, रॉयल जेली का प्रोडक्शन भी यही करते हैं, और ये किससे होता है, हाइपोफेरेंजियल सेलाइवरी ग्लैंड से होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रॉयल जेली कहाँ से या कौन सी ग्लैंड से जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो यानी कि सारे के सारे काम जो है अगर आप सोचो तो किसके होते हैं, सिर्फ वर्कर्स के होते हैं, ना तो ड्रोन कुछ करता है और ना ही क्वीन, क्वीन सिर्फ एग्लेइंग का काम करती है। फिर देखिए, यहाँ हम बात करेंगे डांस की, किसके डांस की, मधुमक्खी की। मधुमक्खी डांस करती है, सुना है कभी, है ना, मधुमक्खी डांस करती है। तो वो जो डांस होता है इनका, वो एक स्पेसिफिक यानी कि एक कम्युनिकेशन होता है इनके बीच। हम क्या करते हैं, अगर मैं मुझे कुछ कहना है आपको तो मैं डायरेक्ट बोल के कह दूंगा आपको, है ना, आपको कुछ पूछना है तो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, लेकिन हनी भी बोल तो नहीं सकती। इनके अंदर क्या होता है, अपने आप ही क्या होता है, एक लैंग्वेज होती है, एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है जिसकी हम बात करेंगे। इसके लिए एक साइंटिस्ट थे कार्ल वॉन फ्रिस्क, इनको नोबल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है, 1973 के अंदर, इस स्टडी के लिए इन्होंने स्टडी की थी इनके बीच कम्युनिकेशन की, इसलिए इनको क्या मिला था, नोबल प्राइज़ मिला था। इस साइंटिस्ट का नाम पूछ लेते हैं अभी, है ना, इसको ध्यान रखना। अब देखिए, दो तरीके के डांस होते हैं इनमें, एक होता है राउंड डांस, एक होता है वेगटेल डांस, ठीक है, दो तरीके के डांस होते हैं, दोनों ही क्या है, एक स्पेसिफिक चीज़ को शो करते हैं। देखिए, राउंड डांस यहाँ देख सकते हो आप, इसमें क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट हुई मधुमक्खी ऐसे जाएगी और फिर वापस यहाँ से स्टार्ट होगी और इस तरीके से ये चलता रहेगा, दिख रहा है सबको। ये जो है तरीका, ये कब यूज़ करते हैं, ये जहाँ भी इनकी हाइव या कॉलोनी होती है उसके ऊपर ये इस तरीके से अगर राउंड कर रही है वहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है कि जो फूड है, जो भोजन है, वो कहाँ है, आसपास कहीं 50 मीटर से कम दूरी पे है, समझ रहे हो बात को, यानी कि भोजन अगर नज़दीक हो तो उस सेंस में ये इस तरीके की कम्युनिकेशन करते हैं, इस तरीके का डांस शो करते हैं। अब देखिए, दूसरा क्या होता है, जब फूड जो है वो 50 मीटर से अगर ज़्यादा दूरी पे हो तो उस सेंस में ये वेगटेल डांस करती है। वेगटेल का मतलब क्या होता है, देखिए थोड़ा सा ऊपर करके मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ से क्या करेगी मधुमक्खी, यहाँ फ्लावर है मान लीजिए आपका, ये सन है, तो ये इसकी डायरेक्शन और सब चीज़ मायने रखती है, बताता हूँ कैसे। यहाँ से ये क्या करेगी, इस तरीके से आएगी पहले राउंड, फिर इस तरीके से जिगजैग जो है चलती है, फिर वापस यहाँ आएगी, फिर जिगजैग चलेगी, तो ये जिस डायरेक्शन में जिगजैग चलती है उससे दूसरी जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या आइडिया होता है कि ये जो भोजन है या फूड है वो कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में ये जिगजैग जाती है उस डायरेक्शन में वो फूड होता है। अब देखिए, इसके साथ साथ इसकी जो स्पीड होती है वो ये डिसेंड ये वो जो है ये शो करती है कि फूड कितनी दूरी पे है। मान लीजिए अगर ये बहुत फास्टली अगर इस तरीके से मूव करती है, इसका मतलब क्या है कि जो फूड इनको लेके आना है वो काफ़ी दूर है, ठीक है, ये जो है एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है इनके अंदर। देखिए यहाँ लिखा हुआ 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी कि जितनी स्पीड से ये जाती है उतने ही किलोमीटर आगे आप मान के चलो कि फूड इनको मिलेगा। अगर यही सेम इस डायरेक्शन में हो जाए इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है, फूड जो है वो कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, तो ये यहाँ से तो सिंपल आएगी, लेकिन जिस डायरेक्शन में जिगजैग डांस करती है उस साइड में क्या होता है, इनका फूड होता है। तो
तो ये इसके अंदर कम्युनिकेशन का तरीका होता है हनी बी के अंदर। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। फिर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे हम इससे रिलेटेड। सबसे पहले तो देखिए एग लेइंग की बात करें, है ना, तो कि एक जो क्वीन होती है वो कितने एग्स को ले करती है या कितनी एग लेइंग उसके द्वारा होती है। तो देखिए 2 से 2,000 तक एग्स जो है पर डे दे सकती है, और एक मधुमक्खी अपने पूरे लाइफ में लगभग 15 लाख जो है अंडे देती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखिए जैसे ही क्वीन अगर बीमार हो गई या किसी वजह से मर गई, तो उस सेंस में क्या होता है, रिजर्व में इनके पास एक सुपर शेड्यूल यानी कि एक दूसरी डॉटर क्वीन होती है, जिसको बाद में क्या बना दिया जाता है, क्वीन बना दिया जाता है, ताकि जो कॉलोनी है वो चलती रहे। एज देखिए मधुमक्खी की कितनी होती है, 2 से 5 साल तक एज होती है। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन दो एग्जाम्स में तो मैंने भी देख रखा है आया हुआ है कि वैक्स ग्लैंड जो है वो कौन से एब्डोमिनल पार्ट्स में पाई जाती है। एब्डोमिन में पाई जाती है हमें पता है वर्कर बी के, तो ध्यान रखना 3 to 6 जो 4 सेगमेंट होते हैं, 3 4 5 6 है ना, उनके अंदर क्या होती है, वैक्स ग्लैंड।